क्या आपको पता है कि आजकल हर मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। आजकल 50% लोगों के शरीर में खून की कमी है। इतनी ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम पास्ट में कभी नहीं हुई जितनी ज्यादा आज है। आज हर दूसरे तीसरे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आजकल कितने लोगों के बाल झड़ते हैं, बहुत से लोगों के चेहरे पर पिंपल्स निकल आए हैं। ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स हैं जिससे आजकल हर व्यक्ति जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, आजकल हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं। पुराने जमाने में ना ही कोई फैसिलिटी थी लेकिन लोग फिर भी स्वस्थ थे। आज के समय में हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, मोबाइल है, इतनी नॉलेज है, फिर भी हम लोग इतनी बीमारियों से ग्रसित क्यों हैं? तो दोस्तों आपको इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। आजकल हम लोगों को मेहनत करना नहीं पसंद, आजकल हम लोगों को रेमेडीज नहीं पसंद, हम लोगों को चाहिए छोटी सी टैबलेट जो आज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती है। छोटी सी टैबलेट को पानी के साथ ले लो, बीमारी खत्म। बीमारी दोस्तों खत्म नहीं होती, बीमारी तो शुरू होती है। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए आपको जब जुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको 3-4 तरह की अलग अलग दवाइयां देगा। डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि भाई जुकाम के केस में दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जुकाम के केस में जो बलगम हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसे निकलना जरूरी है, क्योंकि वो गंदगी है। लेकिन हम लोगों को डॉक्टर जानबूझकर दवाई देता है, इससे हमारा जुकाम तो ठीक हो जाता है लेकिन वो बलगम हमारी छाती पर जम जाती है। आपने अक्सर ही देखा होगा अगर आप जुकाम की दवाई लेते हैं तो इससे आपको खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बलगम आपकी छाती पर जम जाती है वो खांसी पैदा करती है। अब आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, डॉक्टर आपको फिर दवाई देगा, वो फिर ये नहीं कहेगा कि बेटा खांसी की दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खांसी होने से होता क्या है, जो भी बलगम हमारे शरीर के अंदर जमा है खांसी के जरिए वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग उसे भी दबा देते हैं, हम लोग फिर से खांसी की दवाई लेते हैं, तो फिर वो बलगम हमारी छाती में जमती जाती है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एक पुरानी खांसी में बदल जाती है, पुरानी खांसी से ये प्रॉब्लम अस्थमा में बदल जाती है। तो इस तरह से एक मामूली सर्दी जुकाम को अस्थमा में बदल दिया जाता है आज के मेडिकल साइंस के जरिए। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है आज की अन्य बीमारियों के साथ। पुराने जमाने में डायबिटीज नहीं थी, हार्ट अटैक नहीं था, आजकल क्यों आया? क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है रिफाइंड ऑयल का। हमारे आयुर्वेद में कहीं भी रिफाइंड ऑयल है ही नहीं, इवन कि भारत में 100 साल पहले से तो कभी रिफाइंड ऑयल था ही नहीं। हमारे घरों में देसी गाय का घी था, माखन था। ये रिफाइंड ऑयल कहाँ से आया? ये बाहर से आया। और रिफाइंड ऑयल को क्या कहकर बेचा जाता है कि ये दिल के लिए अच्छा है। अगर ये दिल के लिए अच्छा है, पूरा भारत रिफाइंड ऑयल खाता है, तो फिर हार्ट अटैक क्यों होते हैं भारत में? हर एक मिनट में भारत में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। दरअसल दोस्तों भारत में ज्यादातर लोग भोले हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में कह दिया जाता है वो हम लोग विश्वास कर लेते हैं। इसी कारण से आजकल हम लोग दबाकर रिफाइंड खा रहे हैं और यही रिफाइंड हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही है, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग देसी गाय का घी खाएं। देसी गाय का ना सही, जो भी आपको देसी घी मिले उसका सेवन करें, आप देखेंगे आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और ऐसे ही आप आजकल की ये डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और आयुर्वेदिक नुस्खों का इस्तेमाल करें। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इस नुस्खे में आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, पैसा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों में पैसा या तो कम लगता है या ना के बराबर लगता है। शायद उतना पैसा जितना आपको एक टैबलेट लाने में लगता है, उतने पैसे से आपकी सारी बीमारियां सही हो सकती हैं। अब कौन सी चीज आपको इस्तेमाल करनी है, वो है अमरूद। अमरूद आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है, लेकिन आपको अमरूद का नहीं फ्रेंड्स, अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे अमरूद खा लेंगे अमरूद से फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फायदा आपको पत्ते से मिलेगा वो अमरूद से नहीं मिलेगा। दरअसल अमरूद के पत्ते अमरूद से भी ज्यादा फायदेमंद है, जैसे कि आम से ज्यादा फायदेमंद आम के पत्ते हैं, जामुन के फल से ज्यादा फायदेमंद जामुन के पत्ते हैं, नीम के पत्ते बहुत फायदेमंद है। आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट 3 अमरूद के पत्ते खाने हैं। सिर्फ इतना अगर आप लगातार 3 महीने कर लेते हैं तो आपके शरीर की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। सिर्फ 3 महीने हर रोज अमरूद के 3 पत्ते खाली पेट खाने हैं। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ऐसा करके देख लो, आपकी ढेरों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप पिछले 10-20 साल से दवाई खा रहे होंगे वो सिर्फ अमरूद के जरिए खत्म हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, पपीते के पत्ते, केले के पत्ते, अमरूद के पत्ते, इन सभी पत्तों के ढेरों फायदे बताए गए हैं।
पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता, मरुए का पत्ता, ऐसे ढेरों पेड़ पौधे हैं, ये जो औषधियां हैं इनके जरिए सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जो काम जुकाम की दवाई करती है उससे कई गुना अच्छा काम हल्दी दूध कर सकता है। लेकिन हम लोगों को आजकल रेमेडीज बनाना अच्छा नहीं लगता, हमें थोड़ा मुश्किल काम लगता है, इसीलिए हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन उनके नुकसान भी हैं और हमारा बहुत सा पैसा भी खर्च होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अमरूद के पत्ते लगातार 3 महीने हर रोज सुबह खाना शुरू कर दें तो इससे आपकी कई बीमारियां दूर होंगी। अब कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी, उनमें से मैं आपको कुछ बीमारियां बताता हूं। ये जो कुछ बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इसके अलावा शरीर की हर बीमारी सही हो जाती है अमरूद के पत्ते से। सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल डायबिटीज चल रही है, अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप अमरूद के पत्ते खाइए। दरअसल डायबिटीज के बारे में हमें अच्छे से बताया ही नहीं जाता कि डायबिटीज होती क्यों है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है जिसका काम है इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन करना, और इंसुलिन हार्मोन का काम है हमारी बॉडी में खाए जाने वाले शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर इंसुलिन के प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और खून में बढ़ती रहती है। इसी बढ़ी हुई शुगर को हम शुगर या फिर डायबिटीज या मधुमेह कह देते हैं। अभी आपको क्या करना है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है नेचुरल तरीके से। इसके लिए आपको अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आप अमरूद के पत्ते खाइए। अमरूद के पत्ते खाने से आपके पैनक्रियाज को ताकत मिलेगी जिससे आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आप देखेंगे आप डायबिटीज जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर पाएंगे। सिर्फ 3 महीने में आपको फर्क नजर आएगा और आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी। और लगातार 6 महीने से 1 साल अगर आप अमरूद के पत्ते खा लेंगे तो आपको फिर कभी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक भ्रम है जो ये कहा जाता है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती। ऐसा तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी के लिए पिछले 5, 10, 20 साल से दवाई खा रहे हैं। मैं उनको 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा। इन 2 सॉल्यूशंस को करने से हो ही नहीं सकता कि आपका हाई बीपी खत्म ना हो। इसके लिए सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो है लगातार 3 महीने 3 अमरूद के पत्ते हर रोज खाली पेट खाने हैं, और दूसरा आपको भर पेट सुबह खाली पेट पानी पीना है। जितना भर पेट आप पानी पियेंगे उतनी जल्दी आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म होगी। दरअसल जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे हमारे दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। जब दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो इससे खून का प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है, और आर्टरीज के इस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको खून के गाढ़ेपन को कम करना होगा। इसके लिए एक तो आपको तेल, चिकनाई वाली और सोयाबीन जैसे ऑयल्स का इस्तेमाल जीरो करना होगा, यानी खत्म करना होगा। साथ ही साथ आपको ज्यादा पानी पीना होगा ताकि आपके खून के अंदर जो गाढ़ापन है वो खत्म हो और आपका खून पतला हो। आप सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली भी खा सकते हैं, इससे भी आपका खून पतला होगा, आपका खून डिटॉक्स होगा और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। अमरूद के पत्तों के सेवन से दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों का सेवन शुरू कर दें, क्योंकि जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल इतना जमा हो जाता है कि आर्टरीज ब्लॉक ही हो जाती हैं और फिर इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अमरूद के पत्ते खाना शुरू करें। इससे आपके खून के अंदर का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, खून के अंदर की गंदगी कम हो जाएगी, खून पतला हो जाएगा और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, पैरालिसिस से यानी लकवे से बच सकते हैं। ये अमरूद के पत्ते हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। अमरूद के पत्ते इंसान का वजन भी कम करते हैं। अगर आप अपने वजन को कम करने के लिए बहुत परेशान हैं, आपको लगता है शायद हमें डाइटिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और इतना आपके पास समय नहीं है या आपका मन नहीं कर रहा, तो आप बैठे बिठाए अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अमरूद के पत्ते खाना शुरू कर दें। अमरूद के पत्ते हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं जिससे इंसान का वजन बैठे बिठाए कम होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अमरूद के पत्ते लगातार 3 महीने खाकर देखिए। इससे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज कम हो सकता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, अगर आपके बाल झड़ते हैं, आपकी किडनी में स्टोन्स हैं, तो भी आप अमरूद के पत्ते खाइए। इससे किडनी के स्टोन्स खत्म हो जाते हैं, चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अमरूद के पत्तों के जरिए आप अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द को खत्म कर सकते हैं। दरअसल अमरूद के पत्ते हमारे खून में से यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं, साथ ही साथ ही हमारे पेट के अंदर की एसिडिटी और गैस को भी कम करते हैं, जिसे अल्टीमेटली हमें अर्थराइटिस से, घुटनों के दर्द से आराम मिलता है। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो आपके लिए ये सबसे अच्छा नुस्खा है। आप सिर्फ अमरूद के पत्ते खाइए, आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द कितनी जल्दी गायब हो जाएगा।
रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम अमरूद के पत्तों के जरिए अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक छोटी सी चीज और भी करनी है, और वो है कि आपको पूरे दिन के खाने में 50% चीजों को कच्चा खाना है। वैसे मैं ये चीजें आपको कई बार कह चुका हूँ, लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं है। लेकिन जब बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर हमें फिर परहेज बताता है, फिर हम इन चीजों को मान भी लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप पहले ही बीमारियों से बचें, ना कि बीमारियों का इलाज करें। कितना आसान है, सिर्फ आपको कच्चा खाना है। कच्चा खाना इजी भी है, कच्चा खाने में आपको कुछ पकाना भी नहीं पड़ेगा। अब अगर सारा दिन आप पका हुआ खाना खाते हैं तो उसे पकाना भी पड़ेगा, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। लेकिन अगर कच्चा खाना खाना है तो खाने को पकाना भी नहीं है। फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी फ्रेंड्स बहुत ही स्वस्थ रहेगी। आयुर्वेद भी कहता है कि हर इंसान को कम से कम 50% चीजें कच्ची खानी चाहिए, क्योंकि चीजें अगर कच्ची खाते हैं तो चीजों के अंदर के पौष्टिक तत्व हमें मिलते हैं। अगर किसी चीज को पका दिया जाता है तो उससे उस चीज के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप गेहूं के दाने को मिट्टी में बो दें तो आप देखेंगे 15 दिन बाद उसके अंदर से एक पौधा निकल आएगा। लेकिन वही अगर आप गेहूं के दाने को तवे पर भून कर फिर उसके बाद उसे मिट्टी में बो दें तो आप देखेंगे उसके अंदर से पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हम गेहूं के दाने को भूनते हैं तो इससे वो मर जाता है। तो मरी हुई चीज के अंदर से पौधा नहीं निकल सकता। तो अगर मरी हुई चीज के अंदर से पौधा नहीं निकल सकता तो ये हमें कैसे फायदा करेगी? इसी कारण से आजकल डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप कच्ची चीजें खाना शुरू कर दें तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और जितना पैसा आप कमाते हैं उसे आप अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट में खर्च कर सकते हैं, ना कि डॉक्टर्स की फीस और दवाइयों पर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। आपको सिर्फ आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लेना है, आप देखेंगे आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। शेयर करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें, देन आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करें और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।